अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं लाइव 10 न्यूज। राजद में राज्यसभा चुनाव को लेकर चुने गए कैंडिडेट को लेकर जहां बीजेपी ने तेजस्वी के A to Z समीकरण को फेल करार दिया है, वहीं दूसरी तरफ टिकट नहीं मिलने के बाद सिवान के पूर्व सांसद दिवंगत नेता मोहम्मद शाहबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने भी बगावती तेवर अपना लिया है। दोनों तरफ से घिर चुकी राजद अब इन मुद्दों पर अपने बचाव की मुद्रा में आ गई है। राजद ने साफ कहा है कि हमारे पास सिर्फ 2 सीट थी, ऐसे में सभी को खुश रख पाना संभव नहीं है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि राज्यसभा के लिए 2 सीटों पर पार्टी ऐसे चेहरे को मौका देना चाहती थी जो शिक्षित होने के साथ योग्य उम्मीदवार का चयन किया गया है। उनकी राजनीतिक समझ अच्छी हो, शिक्षित हो, योग्यता हो, राजनीतिक समझ और अच्छा कार्यकर्ता हो, इस सारे कसौटियों को आधार बनाकर ही कैंडिडेट का चयन किया गया है। राजद प्रवक्ता द्वारा जिन तर्कों के आधार पर कैंडिडेट चुने जाने की बात कर रहे हैं, उसके आधार पर यह मानना गलत नहीं होगा कि हिना साहब इन शर्तों को पूरा नहीं करती हैं।